بسم الله الرحمن الرحيم मेरे भाइयों, ऐ आशिकान रसूल, क्या आपको ये मालूम है कि रबीउल अव्वल का महीना, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की वजह से खुशी और मसर्रत का महीना है, वहीं गम और मलाल का भी महीना है। इसलिए कि इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी हुई, बल्कि आपके पैदाइश के बारे में तो इख्तिलाफ है कि 12 रबीउल अव्वल है या 9 रबीउल अव्वल है। बहुत सारे उलमाए किराम, मसलन काजी सुलेमान मंसूर पूरी ने रहमतुल आलमीन ने, अल्लामा शिबली नुमानी ने सीरतुल नबी में, अल्लामा अकबर नजीब आबादी ने तारीख इस्लाम में, शेख सफीउर रहमान मुबारक पूरी ने रहीकुल मखतूम में, मशहूर हयद्दा महमूद फलकी बादशाह ने अपनी किताब में ये राजे करार दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई। लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई। और आप जानते हैं कि जब खुशी और गमी इकट्ठा हो जाती है तो गमी खुशी पर गालिब आती है। उम्मत को गुमराह करने के लिए ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें बतौर दलील पेश करते हैं, और उन दलीलों को मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, आप फैसला कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल अकरम सन की पैदाइश हुई थी तो अबू लहब ने खुशी मनाया था। किसने किसने? अबू लहब ने खुशी मनाया था, और उस खुशी में एक लौंडी भी आज़ाद किया था। तो रसूल की पैदाइश के मौके पर अबू लहब ने एक तरह से जश्न और खुशी मनाया था। हम भी नबी के पैदाइश की तारीख को खुशी और जश्न का दिन मानते हैं। ये दलील कहाँ तक आपके समझ में आती है? सबसे बड़ा दुश्मन रसूल का कौन था? उसकी सुन्नत पे हम चलेंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई तौरात उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ रहे थे और उसकी कुछ बातों की तारीफ की, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? लौकाना मूसा हय्यन लमा वसअहु इल्ला तबाय, आज मूसा भी ज़िंदा होते तो उनको मेरे पीछे चलना पड़ता। जब मूसा की पैरवी हम अभी नहीं कर सकते सिवाय उन चीज़ों में जिसमें पैरवी करने का अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है, तो अबू लहब की तो कभी कोई पैरवी ही नहीं कर सकता। तो ये कहा जाएगा कि मीलादुन्नबी के इनकार करने वाले सुन्नी हैं और मीलादुन्नबी मनाने वाले और ये दलील पेश करने वाले लहबी हैं। क्यों, किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ लोग ये एक लूली लंगड़ी दलील पेश करते हैं कि भाई जश्न ईद मीलादुन्नबी मनाने से नबी का जिक्र बुलंद होता है, नबी की शान ऊँची होती है। हम उम्मती नबी की शान क्या ऊँची कर पाएंगे? अल्लाह ताला ने तो आपकी शान की बुलंदी की गवाही दी है, वरफअना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। और नबी की शान की बुलंदी और आपके रसालत का ऐलान, नबी की शान की बुलंदी और आपकी रसालत का ऐलान अल्लाह ताला ने दिन में 5 बार बाहर वालों के लिए दिया है और 5 बार मस्जिद में मौजूद लोगों के लिए दिया। अजान और इकामत में क्या है? अजान और इकामत में है, बात सही कि नहीं है? और ऐ आज के पेट पुजारी मुल्ला हो, तुम जश्न ईद मिलादुन नबी मना करके नबी की शान बुलंद कर रहे हो? क्या अबू बकर ने नबी की शान नहीं बुलंद की? आपने अभी वाकया सुना है अबू बकर का कि सुराख पे पैर रख लिए, बिच्छू ने डंक मारा लेकिन हिले नहीं कि आका के नींद में खलल ना आ जाए। उमर ने नबी का शान नहीं बुलंद किया है? 10 साल की हुकूमत में कहां कहां इस्लाम को पहुंचाया है, बात कि नहीं? और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल मादीन,
कुछ लोग एक और निहायत बोधी और लंगड़ी लूली खाना गया सर, लंगड़ी लूली बोधी बोकस दलील पेश करते हैं, क्या जश्न ईद मिलादुन नबी से मुसलमानों की ताकत जाहिर होती है, हिंदू समझते हैं मुसलमान इतने हैं, इस फॉर्म में नारे रसायत की सड़क गूंज जाती है, ये बनावटी धौंस बनर घुरकी से, ये बनावटी धौंस और बनर घुरकी से दुश्मनान इस्लाम का पित्ता पानी नहीं होगा, दुश्मन इस्लाम का पित्ता पानी होगा सुन्नत नबी को थामने अमल करने और फैलाने से। ये धौंस जमता है कि बुजदली आती है कि मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो मेरे भाइयों साथियों, कोई कैसी भी दूली लंगड़ी दलील पेश करे, किसी भी चीज से दलील पकड़े, ये जान लो, उससे पूछो कि अल्लाह के रसूल ने कब किस वक्त किस तरह किस अंदाज में मनाया है, ये दलील दे दो। अगर अल्लाह के रसूल ने नहीं मनाया और मनाने का हुक्म दिया, अबू बकर भी मनाए होते तो हम मानने वाले नहीं थे, मानने वाले नहीं थे। इस्लाम वो धर्म है जो ईश्वरीय धर्म है, जिसके विधियों को और नियमों को किसी ऋषि मुनि ने, किसी मौलवी मुल्ला ने, किसी पंडित ने, किसी वली ने नहीं बनाया है। इस्लाम ये ईश्वरीय धर्म है और ईश्वर अल्लाह ने अपने दासियों के लिए जो चुना है वो बहुत प्यारा चुना, क्योंकि इस्लाम के सारे विधियों को, इस्लाम के सारे नियमों को वही बना सकता है जो हर एक की शक्त को, हर एक की प्रकृति को, हर एक के नेचर को अच्छे प्रकार जानता हो। बात सच है कि नहीं सच है? एक मनुष्य अगर इस्लामी नियम को बनाना चाहे या कोई भी नियम बनाना चाहे, वो ऐसा विधि और ऐसा नियम कभी भी नहीं बना सकता है जो सबके सचेबुल हो, सबके लायक हो, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा ऋषि मुनि हो, कितना बड़ा भी विद्वान हो, कितना भी संस्कृत हो, क्या भी हो, वो हर मनुष्य के हर गुप्त और बाहिर शक्ति को नहीं जान सकता है। वो अल्लाह जिसको हमारा एक हिंदू मित्र भी मानता है, उसे पूछो वर्षा कब होगी तो कहेगा ऊपर वाला चाहेगा तब वर्षा होगी। सऊदीया से अपनी पत्नी से मिलन करने के लिए कब जाओगे? जब ऊपर वाला चाहेगा। तो ऊपर वाला वही अल्लाह है और अल्लाह ने मनुष्यों के लिए ऐसा विधि और नियम और कानून बनाया है जिस पर हर मनुष्य हर समय हर स्थान पर हर स्थिति में संपूर्ण रूप से चल सकता है। मेरे भाइयों साथियों, हमें अल्लाह ने ये आज्ञा और निर्देश नहीं दिया है कि हम बनर घुरकी के जरिया अपने किसी अपने जैसे किसी मनुष्य को डराएं। हमें अल्लाह ने यह आज्ञा दिया है, आदेश दिया है कि हम अल्लाह के सत्य संदेश को लोगों तक पहुंचा करके अल्लाह का भय, अल्लाह का डर लोगों के दिलों में, लोगों के हृदय में पैदा करें। और इस्लाम का यही काम है। इस्लाम ने अगर किसी के हृदय में भय पैदा करने की प्रयास की है तो वो है अल्लाह की भय, अल्लाह का आदर, अल्लाह का मर्यादा, अल्लाह के अधिकार को अदा करना, अल्लाह के अधिकार की खोज का। हर मनुष्य की, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, यहूदी हो, क्रिश्चन हो, हर मनुष्य की ये उत्तरदायित्व है, हर इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह ने जो जीवन व्यतीत करने के लिए विधि और नियम बनाया है उसकी खोज करे, उसकी तलाश करे और मिलने के बाद उसका आज्ञा पालन करे, उसके नियम अनुसार उसका आज्ञा पालन करे। मेरे मित्रों, दोस्तों, आज एक हिंदू मित्र कह सकता है कि भाई तुम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हो, मुसलमानों में दो ग्रुप है, कुछ लोग कहते हैं मनाओ, कुछ लोग कहते हैं नहीं मनाओ, तो हम किसको सत्य माने किसको असत्य माने, कैसे समझाएंगे? हम उसको ये नहीं कहेंगे फला ऋषि मुनि का संदेह है, ये फला किया है, हम ये कहेंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जो हमारा और आपका पालन पोषण करने वाला है, जो हमारा और आपका प्रतिपालक है, पालनहार है, उसने जो शुभ कुरान अवतारित किया है,
वो एक सदाचारी मनुष्य मक्का में पैदा होने वाले सदाचारी मनुष्य पर अवतारित किया है। वो शुभ कुरान सत्य है, उस शुभ कुरान से जो कुछ भी मिले वही हर एक का धर्म है, मुसलमानों का नहीं, हर एक का धर्म है। और जिस सत्य नबी ने सत्य संदेश और जिस सत्य संदेशता पर शुभ कुरान अवतारित हुआ था उनसे अधिक किसी को कुरान का ज्ञान नहीं था, उनसे अधिक किसी को कुरान का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कभी भी किसी भी समय पर किसी भी वर्ष अपना जन्माष्टमी या अपना बरसी नहीं मनाया है। और मुसलमान उसे कहा जाता है जो अल्लाह की आज्ञा पालन करे और अंतिम संदेशता आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज्ञा पालन करे, जो अल्लाह के अवज्ञा करे, जो अल्लाह अंतिम संदेशता की अवज्ञा करे, वो लाख अपने आप को मुस्लिम का मुस्लिम नहीं हो सकता। मुस्लिम का माना होता है स्वीकृति, स्वीकार करने वाला, मान लेने वाला, आज्ञा पालन करने वाला। तो मेरे भाइयों और साथियों, मेरे मित्रों दोस्तों, ये जश्न ईद मिलादुन्नबी नहीं, इसको मना करके सत्य धर्म इस्लाम को बदनाम ना करो।